साइबर सिटी गुरुग्राम के डीसी ऑफिस में करोड़ों रुपए के पीएफ घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल एक ठेकेदार साल 2011 से जिला प्रशासन की नाक के नीचे 200 कंप्यूटर ऑपरेटर के पीएफ की मलाई खा रहा था, लेकिन किसी को भी इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये मामला भी उस वक्त खुला जब पीएफ ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर के पीएफ जमा न होने पर नोटिस भेजा गया। देखिए, जो डीआईटीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ लगा हुआ है उसमें एजेंसी की जिम्मेदारी रहती है कि जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन है उसको संबंधित एम्प्लॉय के खाते में डलवाएं। उससे संबंधित पीएफ ऑर्गेनाइजेशन से हमें कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया गया। और उसके बाद भी जब इसको कार्रवाई को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जमा नहीं कराई गई पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया गया।